बहुत अच्छी बात है कि आपको पकड़ना है तो आपको तो पकड़वा दिया उनको, चाहे उनने पाप कर दिया हो, चाहे कहीं कितने लोगों को मार भी दिया हो, उनको तो छोड़ दिया। अरे मैं कहां से निकल निकल के आ रही हूं, पानी इतनी जोरदार किल्लत है। अरे एमएलए पानी की पाइपलाइन को तोड़ के उसके नीचे कुआं बना के उस कुएं में से पानी बेच रहे हैं, अब इससे और ज्यादा अपने को क्या सुनना है। ऐसा भी है और उसको कोई नहीं रोक रहा। गरीब आदमी पानी के लिए मर रहा है, फ्लोराइड से दुखी हो रहा है। अरे एमएलए इस तरीके से कर सकते हैं कि आप तो पाइपलाइन ही फोड़ दो, पाइपलाइन के नीचे कुआं बना लो, कुआं में से पानी निकाल लो, निकाल के सबको पिला लो, बेचो। फिलहाल हो तो दूसरी बात है, बेचो। मैं नहीं समझती कि कोई भी, और हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर मैं नहीं समझती हूं कि इसको अलाउ किया जाएगा। इसलिए आज भाइयों और बहनों मैं आपको इतना कहने आई हूं कि बहुत जोरदार और जबरदस्त लड़ाई है, यह लड़ाई हम सबकी जिंदगी की लड़ाई है, यह लड़ाई हमारे और राजस्थान के भविष्य की लड़ाई है। आपके बच्चों का क्या होगा कल, ये आपको आज सोचना है। इतनी हिम्मत होनी है, ये नहीं कहना है कि अरे यार वो तो देखते हैं जाने दो, क्योंकि आज उसी के घर में आग लगी है, चलो उसका घर जलने दो। अरे उसका घर जल गया तो गांव में तो छप्पर एक से एक लगे होते हैं, एक का घर जल गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा, एक जगह गई तो पूरा राजस्थान तबाह हो जाएगा, और हमारे आने वाले भविष्य का कौन देखेगा, कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इतना कहने आई हूं, अब समय आ गया हम लोग सबको अपने सपनों को पूरा करना है, उनको साकार करना है। अरे इनके सपने हमने 55 साल साकार कर दिए, इनके घर बन गए, इनकी बेटियों की शादियां हो गई, इनका सब कुछ हो गया। और हमारी जनता को देखो, उधर देखो, 15 साल गुजरात के लोगों ने नरेंद्र मोदी को दिया और आज गुजरात पूरे देश के नहीं दुनिया के नक्शे के ऊपर छाया हुआ है कि नहीं। इसका मतलब 15 साल में हो सकता है कि नहीं। और उधर मध्य प्रदेश के शिवराज जी, उन्होंने 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश को देश के नक्शे के ऊपर ला के छोड़ दिया है। 10 साल में अगर वो कर सकते हैं, 15 साल में अगर वो कर सकते हैं, तो 55 साल में हमारे लोगों ने क्यों नहीं किया, ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। उसके पहले आप लोगों को उनको एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि इसका जवाब दीजिए, इसको बताइए कि हमारे देश को आपने खत्म करके रख दिया है, हमारे प्रदेश को खत्म करने के लिए चले हो, हम लोग आपको इस प्रदेश को खत्म नहीं करने देंगे। क्या मैं सही बोल रही हूं, क्या आप लोग सब यही चाहते हो? नहीं तो मेरे को धूप में मत घुमा लो, मैं करने को तैयार हूं, परंतु आपको सब साथ के लेके चलूंगी। एक आदमी के हाथ में जादू नहीं है, यह जादू मेरा नहीं है, ये जादू हमारे राजस्थान के परिवार का है। ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत आप सबकी है। जब आपकी ताकत और आपका ये जादू जुड़ता है तो राजस्थान के अंदर कालापलट आएगा, और जिस तरीके से गुजरात आगे गया, जिस तरीके से मध्य प्रदेश आगे चला गया, उस तरीके से राजस्थान भी आगे जाएगा, और राजस्थान को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आएंगे, यह विश्वास करके जाते हमारा स्वाभिमान फिर से हमको मिलेगा, हमारी इज्जत हमको फिर से वापस मिलेगी, और हमारे लोग फिर से अपने पैर पे खड़ा होकर अपना नाम दुनिया के अंदर जैसे पहला करते थे वैसे फिर से कमाएंगे। तैयार हो? थके पड़ गए? अगर नहीं और अगर तैयार हो तो मेरे को ये हाथ मत दिखाना, क्योंकि ये हाथ वो खूनी हाथ है जिसने महिलाओं की इज्जत लूटी, जिसने अत्याचार किए, जिसने आज भी आपके जेब अभी भी काट रहा है, अभी भी आपके जेब काट रहा है और गला दबा दबा के लोगों की हत्या कर रहा है। ऐसे लोगों को एक मिनट के लिए भी वहां बैठने का अपने को हक देना नहीं है। आप लोगों को इसलिए दोनों मुट्ठी बंद करके अपने दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को ये बताओ कि हिम्मत है, और अगर लड़ाई की तैयारी में हो, अगर इस लड़ाई की तैयारी में हो तो ये मैं कह के जा रही हूं यहां से, साफ शुद्ध पर्याप्त पानी 24 घंटे माता और बहनों को घरेलू बिजली और जो छोटे छोटे काम है सड़कों का इसका उसका वो तो काम होते ही जाएंगे,
क्योंकि ये दो काम और उसके साथ साथ हमारे बच्चों का रोजगार टैक्स हटेगा, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी और आगे आने वाले समय के अंदर राजस्थान के हिस्सेदार आप लोग सब बनेंगे। अगर आप एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी राम। इतने धूप से हो गए हो, मैं भी धूप में से चल के आ रही, मेरा भी सिर गर्म हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। अब जोर से करो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक राजस्थान का नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। एक प्रश्न मैं और पूछना चाहूंगी आप लोगों को, आप लोग बताइए मेरे को, जो पाला पड़ा किसान भाइयों, आप लोगों को मुआवजा मिला? मिला? जब गिरदावरी रिपोर्ट ने यह बता दिया था कि पूर्ण अकाल पड़ा हुआ है, तब आपको कोई मुआवजा मिला? ये तो लाडलू में आके वादा करके गई थी कि नहीं गई थी, सरकार ने बोला था कि नहीं बोला था कि हमने करना है, और वादा खिलाफी करना इनकी आदत है। मैं ये देख रही हूँ 150,000 सहकार ऋण किसी को मिला? माने बिना ब्याज का नहीं मिला, वो भी ऐसे ही चल रहा है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को ये कहने आई हूँ कि आप लोग मेहरबानी करके इस लड़ाई में जुड़ जाओ और हम और आप दोनों इस राजस्थान को साफ करके छोड़ेंगे, चिंता मत करो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।